Yes, so good morning everyone. Let's continue our chapter 13, that is the early civilization. In previous class we have studied about the Indus Valley civilization. कि मैंने आपको बताया था कि लोगों ने जो first जब लोग या जो उस time के लोग ancient period के जो लोग हैं वो कैसे settle होना शुरू हुए थे, कैसे उन्होंने रहना शुरू किया था, क्या क्या उनका ऑक्यूपेशन यानी कि क्या क्या काम उन्होंने किया था, कौन सी उस टाइम की बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई थी जो आज तक भी हमें देखने को मिल रहा है. सो उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा था, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका नाम ये क्यों पड़ा, यानी कि वहां के लोगों ने जब वहां पे सेटल हुए तो उसने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों दिया. तो मैंने आपको बताया था क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने क्या किया था, इंडस रिवर के आसपास रहना शुरू कर दिया था, इसलिए उस टाइम पीरियड में या उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जब लोग उस पर्टिकुलर रिवर के आसपास रहा करते थे, है ना. तो वहां पे उनका ऑक्यूपेशन था फार्मिंग करते थे वहां के, यानी कि एक सिटी बन गई थी वहां पे, डेवलप हो रही थी चीजें, ठीक है. तो एक सिटी बनी थी, तो वो कौन सी सिटी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जहाँ पे लोगों ने फार्मिंग करना शुरू कर दिया था, आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोसेस शुरू कर दिया था, ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था, यानी कि बिजनेस वगैरह छोटा बहुत मतलब जो कर रहे थे, जैसे जो भी पर्टिकुलर सिटी में कुछ चीजें बन रही थी उसको बाहर जाके सेल आउट करना या बाहर की कुछ चीजें अपने सिटी में आके जो है वो बेचते थे. सो ये पूरा प्रोसेस जो है उनका चलता रहता था. फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या देखा कि वहां पे जो है दो स्पेशल बिल्डिंग्स की बात करी थी, एक तो है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो और एक ग्रेट ग्रेनरी एट हरप्पा. यानी कि ग्रेट बाथ वाला मैंने आपको बताया था जहाँ पे जो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे लोग, और वहां पे जो बड़े बड़े लोग थे वो वहां पे क्या करते थे, डुबकी लगाने या नहाने आते थे, ठीक है. और वहां पे क्या थे, हमें चेंजिंग रूम्स वगैरह भी देखने को मिले. और क्या बनाया था वहां पे, ग्रेट ग्रेनरी. ग्रेट ग्रेनरी मीन्स जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह स्टोर होते हैं, है ना, जैसे वेयर हाउसेस वगैरह में क्या होता है, सामान रखा जाता है जो भी एक्स्ट्रा होता है ताकि उसको धीरे धीरे जो है वो बेच सके आगे. तो वैसे ग्रेट ग्रेनरी यानी कि जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है उसके लिए उन्होंने जगह बनाई. तो ये सब कुछ बिल्डिंग्स जो है हमें इंडस वैली यानी कि उस टाइम के पीरियड में हमें देखने को मिली. सो नाउ वी आर गोइंग टू वॉच अ स्मॉल वीडियो कि अर्ली सिविलाइजेशन क्या होता है. और कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे तो एक वीडियो देखा ही था, बट जो मेन हमारे चैप्टर की हेडिंग है दैट इज द अर्ली सिविलाइजेशन, उसके ऊपर हम एक वीडियो देखते हैं. ओके Early civilizations. How do you know about things that have happened before you were born? You would have heard about them from your parents or grandparents. Their stories will tell you about how their lives were very different from the one you are living now. But humankind has been in existence for thousands of years. How do we learn about early civilizations other than the information found in history books? We can catch glimpses of the ways of early civilizations, their occupations, their societies, and their culture through other means. Excavations. That is, digging up of earth has unraveled remains of many early civilizations. These remains help the historians to construct the past. So, हमने जो पहले देखा था वो क्या था, आपने मोहनजोदारो वाला देखा था जो ग्रेट बाथ था, जैसे ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में, है ना. ये देखो यहाँ पे क्या होता था, पानी या वाटर फिल किया जाता था जिसमें लोग आके जो है, जो स्पेशल लोग थे जिनको सिर्फ जिनको कुछ लोगों को अलाउड होता था वो यहाँ पे क्या करने आते थे, नहाने आते थे, आप कह सकते हो डिप लगाने या डुबकी लगाने आते थे. और यहाँ पे जो है ये चेंजिंग रूम थे, ठीक है. तो ये उस टाइम पीरियड का होता है कि ये आज भी हमें देखने को मिलता है ये जो चीज है. के बारे में था, ठीक है, आपकी पहले के लोग कैसे रहा करते थे और अब के लोग जो है वो कैसे, कितना चेंजेस आपको देखने को मिला. पहले जो लोग है वो कैसे केव्स वगैरह में रहते थे और अभी आप देखोगे तो कि आप प्रॉपर अपना हाउसेस में रहते हो, प्रॉपर आपकी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है. उस टाइम पे
जो है वो धीरे धीरे स्टार्टअप ही हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सब चीजें स्टार्ट ही हुई थी, वरना पहले के लोग तो ऐसे ही रहते थे। ठीक है, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसकी हमने कुछ सील्स वगैरह भी देखी थी कि वहां पे हमें कुछ सील्स यानी कि स्टैम्प्स वगैरह देखने को मिली थी, दैट इज द यूनिकॉर्न, इसमें यूनिकॉर्न का शेप बना हुआ है। आज के टाइम में भी आप देखोगे स्टैम्प्स वगैरह होती है तो उसमें अलग अलग शेप, कोई स्टार शेप होता है, कोई स्माइली शेप होता है, तो ये उस टाइम की स्टैम्प्स है जिसमें क्या था, कुछ एक में यूनिकॉर्न था, एक में कोई पशुपति जो है वो सील थी, कुछ उसकी ड्रॉइंग बनी हुई थी। सो अलग अलग चीजें थी, अलग अलग तरह की स्टैम्प्स थी, अलग अलग तरह की सील्स थी। देन ऑक्यूपेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, है ना। नाउ द नेक्स्ट इज द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब ये जो सिविलाइजेशन है ये कहाँ पे लोगों ने, यानी कि ये जो सिटी जब जो सेटल होना या बसना स्टार्ट हुई थी तो वो कहाँ पे हुई थी, है ना। सो द एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन ग्रू अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर नाइल, है ना। हमने क्या पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे सेटअप होना स्टार्ट हुआ था, इंडस रिवर के आगे, पर जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे सेटअप होना स्टार्ट हुआ था, नाइल रिवर के आगे। सो दिस इज इजिप्ट इज ऑल्सो नोन एज गिफ्ट ऑफ नाइल, इसलिए इजिप्ट को जो है क्या कहा जाता है, इज ऑल्सो नोन एज गिफ्ट ऑफ नाइल। नाइल एक रिवर का नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये नाइल रिवर के आगे जो है स्टार्ट हुई थी। द पराउज वॉज द किंग ऑफ द इजिप्शियन हु वॉज वर्शिप बाय द पीपल, जो पराओ थे वो किंग थे, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। इनके वहां के लोग, इजिप्ट के लोग क्या करते थे, इनकी पूजा करते थे, इनको इनको वर्शिप करते थे, इनकी पूजा करते थे, इनको मानते थे। सो अब ये कुछ फेमस पराओ यानी कि कुछ फेमस किंग के बारे में बताया है, ठीक है, कुछ आपको एक दो नाम बताए हैं, कुफू, रमीसी सेकेंड एंड तूतान खामिन, ठीक है, कि ये उस टाइम के पीरियड के ये कुछ फेमस जो है आपके किंग थे या कुछ फेमस फराओस थे जिनको लोग वर्शिप किया करते थे, जिनको लोग पूजा करते थे। सो इजिप्शियंस बिल्ट टॉम्ब्स फॉर द फराओ नोन एज पिरामिड्स। तो फिर क्या हुआ, जो इजिप्शियन यानी कि जो इजिप्ट के लोग थे उन्होंने क्या किया, फराओस यानी कि जो किंग थे या जिनको वो एक तरह से गॉड मानते थे उनके लिए उन्होंने क्या किया, पिरामिड्स बिल्ट करना या पिरामिड्स बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। सो पिरामिड्स किस लिए बनाए गए थे, ये वन ऑफ द रीजन है, ठीक है, उन्होंने अपने पुराने टाइम में लोग अपने फराओ के लिए बनाए थे, ठीक है। सो इन 1880 द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर विलियम पेट्री वाज द फर्स्ट टू गेदर मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अभी क्या कह रहा है, 1880 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पुराने चीजों के बारे में खुदाई करके उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ऐसे 1880 में जो सर विलियम जो थे पेट्री, उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन निकाली। इन्फॉर्मेशन किसकी निकाली, यानी कि एक पिरामिड है, फेमस पिरामिड है जिसका नाम क्या दिया हुआ है, गीजा, यानी कि ये जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, ठीक है, इसकी कितना मेजरमेंट है, कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है, कितना क्या है, तो इन सब की इन्होंने क्या किया था, एक्यूरेट मेजरमेंट निकाली थी। आपका जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है उसको जिसे सेवन वंडर्स बोले जाते हैं ना, उनमें से एक है, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। The ancient Egyptian believe in many gods and goddesses. अब जो ancient Egyptians थे, जो पुराने उस time के लोग थे, वो बहुत सारे भगवानों को मानते थे, देवी देवताओं को मानते थे। It is so much fun to learn about the Egyptian. I read they mummified their pharaohs after death because they believed that they would live forever. ठीक है, अब क्या होता था, ये तो आपको बेसिक चीज बताइए कि इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है कहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हुआ था, नाइल रिवर के आगे, वहां के जो किंग थे जिनको लोग पूजा करते थे उसको पराओ बोला जाता था, उनके लिए उन्होंने क्या बनाया, टॉम बनाना शुरू कर दिया, है ना, टॉम बनाया। फिर 1880 में क्या हुआ, जो हमारे विलियम सर जो हैं, उन्होंने एक्यूरेट मेजरमेंट निकाली कि पिरामिड जो है बनता कैसे, ऐसे थोड़ी ना वो कैसे भी पहाड़ खड़ा कर देते हैं, पूरा उसको कैसे बनाना है वो सब उसकी मेजरमेंट वगैरह उन्होंने निकाली। फिर और क्या बताया कि इजिप्शियन के जो लोग हैं वो देवी देवताओं को पूछते हैं, तो अब ये जो बॉय है वो क्या कह रहा है कि इट इज सो मच फन कि मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा ये सुन के, मुझे कुछ इजिप्शियन के लोगों के बारे में उसके जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में पता चला। तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे एक और फैक्ट भी पता चला है कि आई रीड दे मम्मीफाइड देयर पैरोज, कि उनके जो ये जो पैरोज हैं, जो उनके जो किंग है, ठीक है, उनके जो उनके मरने के बाद वो क्या करते हैं, उनको मम्मीफाइड करते हैं। मम्मीफाइड क्या होता है वो मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। आई रीड दे मम्मीफाइड देयर पैरोज आफ्टर डेथ, यानी कि वो जो ये जो किंग मर जाते हैं उनको लास्ट में क्या करते हैं, उनको ऐसे जलाते नहीं है, उनको मम्मीफाइड कर देते हैं उनके मरने के बाद, जैसे आपको ये दिखेगा इसमें
ठीक है, उन्होंने एक बॉक्स में उनको रख देते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं ऐसे? बिकॉज दे बिलीव दे वुड लिव फॉर एवर, क्योंकि उनको इनका उस टाइम के लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद भी कोई इंसान जो है हमेशा जिएगा, मतलब लाइक कि उसका दूसरा जन्म होगा। तो सबकी अलग अलग जो है उस टाइम बिलीव थे, पुराने टाइम में लोगों के अलग अलग चीजें थी, अलग अलग मानना था। सो अब डू यू नो वॉट मम्मीफिकेशन इज? अब मम्मीफिकेशन क्या होता है? सो आफ्टर अ पैरो डाइड, मैंने आपको बताया जब किंग मर जाता है, द बॉडी वॉज रैप्ड इन अ कॉटन क्लोथ। तो आप देखोगे इस पिक्चर में कि जो बॉडी है उसको कैसे किसमें रैप किया जाता है, कॉटन क्लोथ में रैप किया जाता है, एंड प्रिजर्व्ड इन स्पेशल ऑयल्स, और इसको जो है इसके आसपास स्पेशल ऑयल्स लगा दिया जाता है ताकि जो है इसको कुछ ऐसी खुशबू वाले ऑयल्स या कुछ ऐसे ऑयल्स का यूज किया जाता है जिसको ये लोग प्रिजर्व कर रखें, ठीक है। सो आफ्टर दिस इट वॉज प्लेस्ड इन अ रिचली डेकोरेटेड कॉफिन, और उसके बाद इनको क्या किया करा जाता है, एक अच्छे से बढ़िया से डेकोरेटेड कॉफिन में रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं जो कफिन है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, मम्मीफाइड यानी कि जो है पैरों की बॉडी है जिसको कॉटन क्लोथ से क्या किया है उन्होंने, रैप किया है। सो द कॉफिन वॉज देन प्लेस्ड इन पिरामिड अलॉन्ग विद द पैरोस। अब ये जो पिरामिड है ना, यहाँ पे क्या करते थे, इनको यहाँ पे जाके इनके कॉफिन को प्लेस करते थे, रख देते थे, और इनके आसपास क्या होता था या कॉफिन के अंदर क्या रखते थे, ये कुछ पैरोस की फेवरेट चीजें भी रखते थे। किस कौन है पैरोस? किंग। उसकी फेवरेट चीजें भी रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि इनका ये मानना था कि मरने के बाद भी उनकी कोई ना कोई लाइफ है, इसलिए वो जो उनकी फेवरेट चीजें हैं जैसे इनकी ज्वेलरी हो गई, इनकी फर्नीचर हो गए, कुछ फूड आइटम्स हो गए, तो वो क्या करते थे इनके पास में रखते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था। तो वो ये रीजन है कि बिकॉज दे बिलीव दैट दे वुड लिव फॉर एवर, कि वो हमेशा जो है जिंदा ही रहेंगे, ठीक है। उनका ऐसा एक मानना था कि मरने के बाद भी उनकी कोई लाइफ होती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं उस कफिन के साथ साथ में जो पैरोस की यानी कि जो किंग है उसकी फेवरेट चीजें हैं वो भी साथ में दफनाते थे। द पिरामिड बिल्ट बाय द इजिप्शियंस सर्व्ड एज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द पैरोस। अब ये जो बिल्डिंग्स है यानी कि जो पिरामिड्स है, ठीक है, सो क्या माना जाता है कि ये पैरोस की लास्ट डेस्टिनेशन है या उसकी जो है फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, यानी कि वो यहाँ पे जो है फाइनली बहुत अच्छे से मरने के बाद आराम से रेस्ट करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चाहिए। Who also took all their worldly possession with them, ठीक है, और जो अपने साथ में क्या होता है अपनी सारी चीजें भी उनके साथ में रख दी जाती है। तो ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है द गीजा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो सेवन वंडर्स में से एक है या सात अजूबों में से एक ये भी है, उसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इजिप्शियन सिविलाइजेशन की वहां पे जो लोग है क्या करते थे, कैसे करते थे, जो वहां पे किंग होते थे उनको कैसे जो है कफिन्स में बंद करके रखा जाता था, ठीक है, उनको अच्छे से रैप करके उनके स्पेशल ऑयल लगाया जाता था उनके आसपास ताकि वो प्रिजर्व रहे, जो उनकी बॉडीज वगैरह है, प्लस उनके साथ में क्या है बहुत सारी चीजें या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी रखे जाते हैं, ठीक है। सो इस पे भी हम एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। Have you built a castle with sand and seen the sea wash it away? Sad, isn't it? Maybe this is the reason why the early Egyptians built their buildings with stone. Can you think of some famous Egyptian structure? Yes, the first thing that comes to our mind when we talk of Egypt is the Sphinx, with its head of a human and body of a lion. Do you know that it is carved out of one single rock? What an architectural genius the Sphinx is! What do you think could be the purpose of building the Sphinx in the valley? Well, legend has it that it is guarding the great pyramids built next to it. The Great Pyramid of Giza, as we know, is one of the seven wonders of the ancient world. It is believed to have taken many long years to build. In fact, it has several smaller pyramids around it called satellite pyramids. That is a lot of pyramids. But why did they need to guard it? The ancient Egyptians believed in life after death. So when a person died, they would bury the body in a tomb.
To make the journey into the other world comfortable, they would also keep food, jewelry, furniture, and weapons inside these tombs. These materials often attracted thieves. There! Now you know why the Sphinx had to guard the pyramids. So if all the kings were buried in tombs, can you imagine how many tombs there are in Egypt? In fact, there is a Valley of the Kings that was a part of the ancient city of Thebes. The most famous tomb, by the way, is that of King Tutankhamun, the boy king who died when he was only 19 years old. Why would anyone visit a city full of tombs? Sounds eerie, isn't it? Well, let me tell you that these beautifully painted tombs have sculptures and murals depicting scenes from daily life and have been designated a World Heritage Site by UNESCO. Since we've been only talking of pyramids and tombs, you must be thinking that Egyptian architecture is limited to their dead. Not at all. They were also very religious. The number of temples on the banks of Nile are proof. See the sculpting on pillars, the well-designed halls and huge gateways. This is but one example of the Karnak Temple. There were many such examples. Was all architectural skills limited to the pyramids and temples? No. Most Egyptian buildings are just as ये कुछ इजिप्शियन के बिल्डिंग्स पिरामिड्स और टेंपल्स के बारे में बताया कि उस टाइम के जो लोग हैं उन्होंने कैसे टेंपल्स बिल्ड किए थे नाइल रिवर के आसपास ठीक है इंप्रेसिव स्कल्प्टर्स पेंटर्स गोल्डस्मिथ्स पॉटर्स वीवर्स एंड कारपेंटर्स ऑल वर्कड हार्ड टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन So, ये आपका कुछ इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में था ठीक है और क्या क्या चीजें होती हैं वहां पे वो भी हम देखते हैं सो पैपरस वॉज अ प्लांट ग्रोन अलोंग द रिवर नाइल वंस कट एंड ड्राइड पैपरस वॉज यूज फॉर और क्या क्या वहां पे चीजें होती थी वहां पे एक पैपरस जो है एक प्लांट ग्रो किया जाता था ठीक है जो कि कहाँ पे ग्रो होता था नाइल रिवर के पास में ग्रो होता था उसको क्या किया जाता था कट किया जाता था देन उसको ड्राई किया जाता था सुखाया जाता था और उसको जो है फिर राइटिंग के लिए यूज किया जाता था यानी कि लिखने के लिए यूज किया जाता था और जो वर्ड पेपर है वो इसी पैपरस से निकल के आया है ठीक है ये एक फैक्ट बताया आपको कि जो पैपरस एक प्लांट है उसको कहाँ पे ग्रो होता था नाइल रिवर के पास में और वो उसके साथ क्या करते थे उसको कैसे यूज करते थे उसको कट करके उसको ड्राई करके देन उसको जो पैपरस जो प्लांट है उसको राइटिंग के लिए यूज किया करते थे उस टाइम पे पेन पेंसिल्स वगैरह नहीं होती थी है ना तो लोग इस चीज का यूज करते थे और जो पेपर जो वर्ड है वो भी इसी से ही निकल के आया है ठीक है और वहां पे लोगों का क्या ऑक्यूपेशन था हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बिकॉज ऑक्यूपेशन पढ़े थे तो हम यहाँ पे भी देखेंगे इजिप्शियन फार्मर ग्रू कॉर्न वीट बार्ले एंड वेजिटेबल्स वहां के लोग क्या ग्रो करते थे कॉर्न वीट बार्ले और बाकी की जो वेजिटेबल्स है वो ग्रो किया करते थे Artisan and craft people in Egypt made beautiful statues and monuments. Artist और जो craft people थे Egypt के वो बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियां और बहुत ही अच्छी अच्छी monuments यानी कि buildings बनाते थे हमने अभी इससे पहले जो अभी जो just video देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी temples पे जो भी painting या कुछ भी उनके ऊपर आप कह दो कि कुछ भी कारीगरी करी गई थी तो वो इन लोगों ने ही करी थी तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा जो है उन्होंने ब्यूटीफुल स्टेचूज और मॉन्यूमेंट बनाए थे उन्होंने कितना अच्छे से पेंट किया उस पर कितनी अच्छे से ड्राइंग्स वगैरह करी है ना तो इजिप्ट के लोग जो है बहुत अच्छे से स्टेचूज और मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी बनाया करते थे सो स्क्राइब्स मेंटेन ऑल रिटन रिकॉर्ड्स और ये जो रिटन रिकॉर्ड्स है यानी कि ये जो चीजें पुराने जमाने के बारे में जो लिखा करते थे उनको क्या कहा जाता है उनको स्क्राइब्स कहा जाता है स्क्राइब्स जो होते हैं वो लोगों को कहा गया है जो पुराने टाइम में जो है रिकॉर्ड लिखते थे है ना वरना हमें भी कैसे पता चलता है हिस्ट्री के बारे में हमारे को भी तो कुछ रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं कहीं ना कहीं से हमें पुरानी बुक्स मिली हैं आप लाइब्रेरी में भी जाके देखोगे तो बहुत ज्यादा पुरानी बुकें भी आपको मिलती है तो वैसे ही स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे जो सारी चीजों को लिखा करते थे ठीक है और ये कौन लिखवाता था उनका रूलर किंग ठीक है वो लोग लिखवाते थे देन एक ये कुछ राइटिंग्स के बारे में बता रखा है
कि इसको हम क्या बोलते हैं, हीरोग्लिफिक्स बोलते हैं. इट इज द एंशिएंट इजिप्टियन राइटिंग स्टाइल दैट यूजेस पिक्चर्स एंड सिंबल्स रिप्रेजेंट साउंड एंड वर्ड. अब हमारे तो क्या है, हमने जब बचपन में पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो हमने क्या पढ़ा था, एबीसीडी से स्टार्ट किया था, क ख ग घ ढ से स्टार्ट किया था. तो उस टाइम के लोग क्या करते थे, पिक्चर और सिंबल्स का यूज करते थे. ठीक है, साउंड्स और वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज करते थे. पीपल रोट ऑन वॉल ऑफ बिल्डिंग, और ये कहाँ पे लिखा जाता था, बिल्डिंग की दीवारों पे लिखा जाता था. और किससे लिखा जाता था, हमने पढ़ा था कि ये पेपिरस का यूज करते थे लिखने के लिए. तो ये सब जो है आपका, दिस इज ऑल अबाउट इजिप्शियन सिविलाइजेशन की इजिप्शियन सिविलाइजेशन में लोग क्या करते थे, कैसे करते थे, क्या ऑक्यूपेशन था उनका, कैसे जो है वो राइटिंग उन्होंने स्टार्ट करी, राइटिंग जो है उनकी सिंबल्स या पिक्चर फॉर्म में होती थी. सो दिस इज ऑल अबाउट इजिप्शियन सिविलाइजेशन. फाइन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें आई गेस कोई प्रॉब्लम होगी नहीं बिकॉज वो बहुत ही ईजी था. प्लस हमारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी कुछ कुछ चीजें बता रखी है. मैंने अभी आपको बताया था कि मेन दोनों का आपको देखना है कि इंडस एंड इजिप्शियन कहाँ पे फर्स्ट सेटल होना स्टार्ट हुआ था, ग्रो होना स्टार्ट हुआ था. तो इंडस सिविलाइजेशन आपका इंडस रिवर के पास, इजिप्शियन वाला नाइल रिवर के पास. ठीक है, देन यहाँ के जो पैरोज थे यानी कि जो किंग थे उनकी वर्शिप करते थे लोग. आपको कुछ नेम्स दे दिए हैं. ठीक है, जस्ट ये जस्ट एग्जाम्पल दिया आपको. ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है जो इजिप्शियन के जो लोग थे वो अपने किंग की, जिनको जिसको पैरो कहा जाता है, उसको जो है वर्शिप कर, उसकी वर्शिप करते थे. देन हमने इंडस वैली में ऐसा कुछ फीचर नहीं पढ़ा. फिर हमने बिल्डिंग के बारे में जरूर पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ बनाया गया था. और यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, पिरामिड्स बनाए थे जहाँ पे जो पैरोज, जो पैरोज को मरने के बाद रखा जाता है. भाई उसके बाद हम देख सकते हैं ऑक्यूपेशन, देख सकते हैं दोनों का कि वहां पे लोगों का क्या ऑक्यूपेशन था, यहाँ पे इजिप्शियन वाले में लोगों का क्या ऑक्यूपेशन था. इंडस वैली में आर्टिशंस थे, आर्ट क्राफ्ट पीपल थे. ठीक है, और वो क्या करते थे, बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉयज बनाते थे, उनको जाके सेल करते थे, ट्रेडिंग करते थे, फूड की, फूड क्रॉप्स की और ग्रेन्स वगैरह की भी क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे. सेम इजिप्शियन में क्या होता था, आर्टिस्ट और क्राफ्ट पीपल जो है बड़े अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनाते थे. इनसे ही वो क्या करते थे, उनके उनके इससे ही वो काम करते थे, स्टैचू बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे, उनको क्या मिलता था, रुपए मिलते थे इसकी वजह. देन वहां के लोग क्या क्या क्रॉप्स ग्रो करते थे, ये सब चीजें हमने पढ़ी है. एक ये इम्पोर्टेंट है आपका ममीफिकेशन वाला, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे. बहुत ईजी है, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. जब पैरो डाई होता है यानी कि मर जाता है, तो उसकी बॉडी को कॉटन क्लोथ में रैप किया जाता है. फिर उसके उसको जो है स्पेशल ऑयल से प्रिजर्व किया जाता है, बचा के रखा जाता है ताकि उसमें जो है कीड़े वगैरह नहीं पड़े. देन इस ये जो प्रोसेस होता है इसको ममीफिकेशन बोलते हैं. ओके, सो नाउ योर चैप्टर 13th इज कंप्लीटेड, जो कि आपका अर्ली सिविलाइजेशन के बारे में था. ओके,